एक आदमी ने तंग होकर कहा, इस जिंदगी से तो मौत अच्छी है। अचानक फरिश्ता आया और कहने लगा कि मैं तुमको लेने आया हूँ। आदमी, लो, अब बंदा मजाक भी नहीं कर सकता क्या? एक फकीर ने एक शख्स को पांचवी मंजिल से आवाज दी कि नीचे आओ, बहुत जरूरी बात है। जब वो हांफता कांपता नीचे आया तो उससे कहा कि 2 रुपए का सवाल है बाबा। वो आदमी को बड़ा गुस्सा आया। आदमी बोला, ठीक है, आओ मेरे साथ। उसको अपने साथ 5वीं बल्कि 6वीं मंजिल पर ले गया और बोला, माफ करो बाबा। एक आदमी हाथ धोकर औरत के पीछे ही पड़ गया। औरत ने भी फिर मुंह धोकर दिखा दिया। तब कहीं जाकर मामला रफा दफा हुआ। बच्चा थोड़ी से सीमेंट वाली दीवार पर जरबे लगा रहा था। बच्चे के बाप ने देखा तो जल्दी से आगे बढ़कर बोला, अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? बच्चे ने हैरत से बाप को देखा और पूछा, अब्बू, मैं पिछले मकान में भी तो यही सब कुछ करता था, तब तो आपने मुझे कभी नहीं रोका था। इस पर बाप ने गुस्से से कहा, बेवकूफ, वो किराए का मकान था, जबकि ये मकान हम खरीद चुके हैं। एक खातून अपने शोहर के साथ अस्पताल गई। डॉक्टर ने खातून को अपने कमरे में आने का कहा। खातून डॉक्टर के कमरे में अकेली गई और जाकर डॉक्टर से बोली, डॉक्टर साहब, क्या मैं अपने शोहर को अंदर बुला सकती हूँ? डॉक्टर, परेशानी की कोई बात नहीं, घबराइए मत, मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ, बाल बच्चों वाला हूँ, औरतों का एहतराम करना जानता हूँ, आप मुझे अपना भाई समझ सकती हैं, पेशे के हाथों मजबूर हूँ, वरना किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखता। एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने के साथ साथ शरीफुल नफ्स भी हूँ। ईमानदारी दूसरा नाम है, वफादारी मेरे खून में शामिल है। डॉक्टर साहब बौखलाहट में नॉन स्टॉप बोले चले जा रहे थे। खातून घबराते हुए, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो दरअसल बाहर रिसेप्शनिस्ट पर लड़की बैठी हुई है और मेरे मियाँ भी बाहर, वो ना तो आपकी तरह स्पेशलिस्ट हैं, ना ही शरीफुल नफ्स और ना ही ईमानदारी और वफादारी इनका दूसरा नाम है, इसलिए मेहरबानी करके उनको अंदर बुला लीजिए। एक अजनबी एक औरत के पीछे पीछे कपड़े की दुकान में दाखिल हुआ। चंद लम्हे के बाद यकायक औरत चीख पड़ी, अजनबी भूख लाकर भागा और सीधा गश्त करते हुए 2 कांस्टेबल की गिरफ्त में आ गया। मालूम हुआ कि वो आदमी मुजरिम और लुटेरा है। दुकानदार ने औरत का शुक्रिया अदा किया कि इसकी वजह से वो लुटने से बच गया। फिर इसने इस औरत से पूछा, मगर आपको ये कैसे पता चला कि वो लुटेरा है? औरत बोली, मुझे क्या मालूम था, मेरी चीख तो उस वक्त निकली थी जब आपने साड़ी की कीमत बताई थी। बाबा जी कहते हैं, मर्दों को हार्ट अटैक की वजह ये है कि मर्द दिल का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। आए दिन सच्चा प्यार, आए दिन सच्चा प्यार। जहाँ पर साइंस खत्म होती है वहाँ से चंद कदम आगे पाकिस्तानी रहते हैं। लड़का लड़की से, जानू मेरी बिल्ली हो ना आप? लड़की, जी जानू, मियाँ मियाँ। लड़का, बट बेबी आई डोंट वॉन्ट यू टू बी माई बिल्ली, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी बिल्ली बनो। लड़की, लेकिन क्यों बेबी? बी माई क्यूटी, तुम मेरी क्यूटी बनो। ओ बट वाई? लड़की ने पूछा, लेकिन क्यों? लड़का, क्योंकि बिल्लियाँ कभी वफा नहीं करती, उनके लिए कुछ भी कर लो, बट कुत्तों को तो थोड़ा सा प्यार दो तो हमेशा वफादार रहते हैं। लड़की, या बेबी आई एम योर क्यूटी। लड़का, आई एम ऑलवेज बी योर कुत्ता। शर्त लगाकर हलवा खाने वाले 4 आदमी में से 3 बेहोश हो गए तो चौथा जोर जोर से रोने लगा। लोगों ने इससे रोने की वजह पूछी तो उसने आदमी से कहा, अगर मैं भी बेहोश हो गया तो बाकी का हलवा कौन खाएगा? एक लड़की हकीम के पास आई और बोली, हकीम साहब, मुझे तेज बुखार है। हकीम बोला, जा ठंडे पानी से नहा कर आ। लड़की परेशानी में बोली, हकीम साहब, मुझे पहले ही बुखार है, ऊपर से आप कह रहे हैं ठंडे पानी से नहा कर आओ। हकीम बोला, जो कहा है करके आ। लड़की नहाकर कांपती हुई हकीम के पास आई और बोली, हकीम साहब, अब तो मुझे निमोनिया भी हो गया है। हकीम बोला, शाबाश, कोई बात नहीं लड़की, मेरे पास सिर्फ निमोनिया की दवाई है। एक सरदार के घर बच्चा पैदा हुआ तो सरदार जी ने नर्स से कहा, तुमने सरदार साहब को नहीं बताना कि बेटा हुआ है या बेटी। नर्स ने बच्चा लाकर सरदार साहब को पकड़ा दिया तो सरदार देखने लगा कि बेटा हुआ है कि नहीं। जैसे ही सरदार देखने लगा तो बच्चे ने पेशाब की धार उसके मुंह पर मार दी। सरदार गुस्से से नर्स से बोला, बीबी अब बच्चा बदल के ले आ, ऐ तो लीक कर दा है। एक गरीब लड़की की एक अमीर खानदान में शादी हो गई तो उसके दूल्हे ने उसे मुंह दिखाई में 5 लाख रुपए दिए। इतने सारे पैसे देखकर वो बोली, सुनो जी, इतने सारे पैसे दे रहे हैं, क्या आपका पूरा खानदान मेरा मुंह देखने आएगा? एक लड़की को एक शेख से प्यार हो गया और उसे अपने प्यार का इजहार करने के लिए जंगल ले गई और बोली, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारी खातिर कुछ भी कर सकती हूँ, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। शेख साहब फौरन बोले, 1-2 सौ रुपया उधार दी। पाकिस्तानी खवातीन एक ड्रामा सीरियल देखती हैं, फिर इसमें जो मजलूम तरीन और मासूम तरीन किरदार होता है खुद को वो तसव्वुर करके सारा दिन परेशान रहती हैं।
جب پاکستانی عوام کو کچن میں کھانے کو کچھ نہ ملے تو جاتے وقت ایک پھکا چینی کا ہی مار لیتی ہے۔ ہمارے گھر والے خیر سے اتنے ڈرپوک ہیں کہ گھر میں اتنی عزت کسی بڑے کو بھی نہیں ملتی جتنی چھپکلی کو ملتی ہے۔ ایک آواز آتی ہے، چھپکلی آ گئی، اور سارا خاندان احترامن ہی کھڑا ہو جاتا ہے۔ جو لڑکیاں بچپن میں خالہ کی جان ہوتی ہیں وہ بڑی ہو کر خالہ کے بیٹے کی جان بنتی ہیں۔ زندگی میں پہلی بار 200 کا پیٹرول تقریباً 20 دن چلا ہے۔ ایک خوشحال فیملی کا راز، بیوی دیکھو نا، ہمارے پڑوسی نے 50 انچ کا ایل سی ڈی ٹی وی خریدا ہے، آپ بھی خرید لائیں نا۔ شوہر ارے ڈارلنگ، جس کے پاس تمہارے جیسی خوبصورت بیوی ہو وہ کیوں فالتو کا وقت ٹی وی دیکھنے میں برباد کرے گا۔ بیوی اوہ آپ بھی نا، ابھی آپ کے لیے پکوڑے بنا کر لاتی ہوں۔ ایک شخص کو چڑیا گھر میں نوکری مل گئی۔ نوکری یہ تھی کہ وہ مقررہ وقت پر چیتے کی کھال پہن کر چیتے کے پنجرے میں بیٹھ جائے۔ چیتے کے ساتھ والا پنجرہ شیر کا تھا، دونوں پنجروں کے درمیان ایک دروازہ تھا۔ ایک دن وہ دروازہ کھلا رہ گیا اور شیر چیتے کے پنجرے میں آ گیا۔ تو چیتا نما شخص چلانے لگا، شیر آ گیا، شیر آ گیا۔ شیر چیتا نما شخص کے کان کے قریب آ کر اپنا منہ لا کر بولا، یار چپ کر جا، رولا نہ پا، تو مینوں بھی نوکری تو کٹائے گا۔ ایک مکان کی چھت سے روزانہ عجیب و غریب آوازیں آتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے چھت کمزور ہے۔ کرایہ دار پریشان ہوا اور مالک مکان کے پاس پہنچا اور کہا، جناب مکان کی چھت روزانہ چرچر کرتی ہے۔ مالک مکان نے کہا، گھبراؤ نہیں، مکان کی چھت تسبیح پڑتی ہے۔ کرایہ دار نے کہا، لیکن جناب ڈر ہے کہ تسبیح پڑھتے پڑھتے سجدے میں نہ گر جائے۔ گائیڈ نے سیاحوں کو تاریخی عمارت کا ایک کمرہ دکھاتے ہوئے کہا، یہ کمرہ ایک خاص اہمیت کا حامل ہے، اس میں مہارانی کھانا پکاتے ہوئے بیہوش ہو گئی تھی اور اسی کمرے میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان میں سے ایک گورا فوراً بولا، لیکن چند دن پہلے تو تم نے یہ بات سامنے والے کمرے کے بارے میں کہی تھی۔ گائیڈ سر گھما کر بولا، جناب دراصل وہ کمرہ آج بند ہے۔ ٹیچر، خون کے الگ الگ گروپس کیوں ہوتے ہیں؟ پپو، تاکہ مچھر ایک ہی فلیور پی کر بور نہ ہو جائے۔ محلے کے ایک گھر میں جس میں چڑیلیں رہتی تھیں اور کوئی بھی اس کو کرائے پر نہیں لیتا تھا، ایک سردار نے یہ بات سنی تو مکان کرائے پر لینے چلا گیا۔ مالک مکان، سردار جی اس گھر میں چڑیلیں رہتی ہیں۔ سردار، کوئی گل نہیں وڈیو، ادھا کرایہ وہ دینی ہے، ادھا میں دوں گا۔